आप सभी के लिए कक्षा 10th का साइंस का पेपर त्रिमासिक पेपर 2021 त्रिमासिक पेपर है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चंस अगर आप पढ़ के जाएंगे बोर्ड में भी तो बहुत सारे क्वेश्चंस फंसने के चांसेस हैं। और इस क्वेश्चंस को पूरा देखिएगा और इसका आंसर शीट भी आपको इसी वीडियो में मिलेगा। अगर आपको चैनल मेरा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा सुनील एग्जाम 100 चैनल। अब देखिएगा, इसमें 3 घंटे का पेपर था, टोटल 80 नंबर के पेपर थे। सही विकल्प चुनकर लिखिए, क्वेश्चन क्या था आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। इसका टिक भी मारा हुआ है, आगे जाके आप इसका आंसर भी सारा देखने को मिलेगा आपको। 1 से E तक पूरे ऑब्जेक्टिव है। फिर इसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। क्या ले लीजिएगा? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पेपर नीचे चला गया था, हालांकि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक संयोजक, डॉट अभिक्रिया दो अभिकारक पदार्थों से मिलकर नए पदार्थ का संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, जिसका कम होता है पीएच मान और धातु में ऊष्मा का सुचालक होती हैं। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए डॉट लेंस प्रयुक्त होता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस होता है। और इसका आंसर आपको लास्ट में मिलेगा सारा का। अब स्क्रीनशॉट बस ले लीजिएगा। सही जोड़ी बनाइए, सिर का एसिटिक अम्ल सही है, सही जोड़ी भी सही है, देख लीजिएगा आप। और एक शब्द में उत्तर, एक शब्द में उत्तर भी सही है। समान मनुष्य की जो कैपेसिटी होती है वो कितने 25 सेंटीमीटर होती है। और आता है आपको विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद 2 नंबर वाले क्वेश्चन आपको स्टार्ट होते हैं। 2 नंबर वाले क्वेश्चंस में ये जो क्वेश्चन है दोनों 5 नंबर बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 6, 7 फिर 7 का अथवा है, खनिज किसे कहते हैं। 8 स्क्रीनशॉट सबका ले लीजिएगा आप। फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन सारे क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिएगा। और ये क्वेश्चंस बहुत मोस्ट है आपके, किसी भी आप चाहे तिमाही दे, चाहे छमाही दे, चाहे वार्षिक पेपर दे, सभी पेपर में ये मोस्ट क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चन है तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये बहुत बड़ा फैक्ट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। मानव को सृजन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, ध्वनि और ध्वनि और सिरा में अंतर लिखिए। ये 22 नंबर क्वेश्चंस कंप्लीट होता है आपका। अब इसका हम आंसर शीट लाएंगे। पहले का आंसर शीट पूरा लाया गया है, द्विविस्थापन 10, एंटीबायोटिक और ये सभी उत्सर्जन, ये जितने भी ऑब्जेक्टिव है सारी ऑब्जेक्टिव क्या है आपकी सही है, सारा सही ऑब्जेक्टिव है। फिर इसके बाद सेकेंड नंबर भरना है आपको, पूछा गया है अडैप्टर, अडैप्टर संयोजन कम सुचालक उत्तल, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर प्रश्न क्रमांक 3, ये है आपका सारा सही जोड़ी, ये आप याद करिएगा पूरा और ये पूरा आंसर सही है। अब क्वेश्चन नंबर 4, ये भी क्वेश्चंस बहुत मोस्ट है, 7 का फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फाइव, ये ऑब्जेक्टिव है एक शब्द वाला। अब इसके बाद आंसर क्वेश्चन आता है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, फिर 6 का आंसर है, पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही या खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए, क्वेश्चंस था। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तर दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित कीजिए। फिर इसका 9 आगे वीडियो मिलेगा आपको, ये 10 है इस क्वेश्चन का। फिर इसके बाद 11 नंबर, आप स्क्रीनशॉट देखते जाइएगा और इसको नोट करते जाइएगा।
फिर इसके बाद 13 नंबर आता है, सीधे रेडियस दे रखा था आपको, फोकस दूरी पूछा था तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगी, बोलिए दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर होगी। अब क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 15, संछाड़ और विकृत गंधिता, सारे आंसर राइट हैं, पूरे आंसर सही टू सही हैं, आप इस आंसर को पूरा ज़रूर पढ़िएगा। आंसर नंबर 16, और इसका चित्र भी बना हुआ है नीचे, ये देख सकते हैं पीएच स्केल का चित्र बना हुआ है, उदासीन 7 होता है, बाकी इधर और उधर। अब आंसर नंबर 17, धातु और धातुओं में अंतर, आंसर नंबर 18 नंबर भी है, पूरा आंसर एकदम राइट टू राइट। आंसर नंबर 19, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। अब आता है धातुओं की प्रॉपर्टीज, आंसर नंबर 20, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। आंसर नंबर 21, फिर आंसर नंबर 21 हो गया। आंसर नंबर 22, लेंस की क्षमता, ये है आंसर नंबर 22। फिर आता है बी नंबर, अवतल दर्पण के उपयोग, इसका उपयोग चिकित्सकों द्वारा या नाक कान परीक्षण करने में किया जाता है, इसका उपयोग वाहनों में अग्रदीपों के रूप में किया जाता है, इसका उपयोग शेविंग आदि के दुकानों में किया जाता है। और इसके बाद आंसर नंबर 9, जो बोले थे कि 9 नंबर लास्ट में मिलेगा आपको, ये 9 नंबर है, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, इसका उपयोग। और आंसर नंबर 7 बचा था, और 7 का भी आंसर यहाँ पे दिया है आपको, खनिज क्या है, खनिज के। इस टाइप से सारे आंसर आपको कंप्लीट होते हैं, आप पूरा क्वेश्चंस नोट कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।